तो झूठ बोलता हूं। कुछ आदमी ये भी कहता है, अरे भैया रउआ ना रहो तो गड़बड़ा जाए, ये आपके आपका भ्रम है, यही तो काई है आपके दिमाग पर। महात्मा गांधी कांग्रेस के सिर्फ एक ही बार जीवन में अध्यक्ष थे, चाहते तो जीवन भर अध्यक्ष रहते, कौन रोक रहा था गांधी जी को। लेकिन अगर गांधी जी ही अध्यक्ष रहते तो आपने सरदार पटेल को, पंडित नेहरू को, मौलाना आजाद को कहां देखा होता, आप सुभाष चंद्र बोस को कहां देखते, आप राजगोपालाचारी को कहां देखते। ये लोकतंत्र की ताकत है। हम लोगों ने बिहार में जो अपनी दुर्दशा की है, लोकतंत्र के हमने खत्म कर दे बानी जा। विधायक का लड़का विधायक होगा, मंत्री का लड़का मंत्री होगा। पिछले 30 साल में बिहार में जितना आदमी एमएलए एमपी बना है, चाहे जिस दल से बना हो, सबका नाम लिखिएगा, सूची बनाइएगा, तो आपको पता चलेगा कि 1250 से 1500 परिवार का आदमी ही यहां एमएलए एमपी बनता है। जो पहले लालू जी के साथ था वही उछल के नीतीश जी के साथ है, जो पहले कांग्रेस करता था वो भाजपा कर रहा है, वही लोग घूम फिर के रहता है। बिहार के 13 करोड़ आबादी में 3.5 करोड़ परिवार है, 3.5 करोड़ परिवार में 1250 परिवार का आदमी सबसे होशियार बा। ये हम व्यवस्था बनाने चले हैं कि हर वो आदमी जो जमीन से जुड़ा है, जिसके लड़के में ताकत है, जिसका जज्बा है, जिसकी काबिलियत है, पैसे के अभाव में, संसाधन के अभाव में, विश्वास के अभाव में किनारे कर दिया गया है, उसको साथ में मिलाए और सब मिलकर इस व्यवस्था को बनाए। अब बिल्कुल इसको किया जा सकता है। इस अनपढ़ अशिक्षित गरीब भारत में आपको याद होगा, हर साल कांग्रेस के अधिवेशन होते रहे, देश भर से आदमी जुटता था, जुट के तय करता था कि इस साल कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, जुट कर ये तय करता था कि साल भर में कौन चीज पर आंदोलन कैल जाए। ये व्यवस्था कायम थी, यही व्यवस्था बनाने आए। ये बिहार के लिए जरूरी भी है, विकास के नजरिए से भी, और दूसरा बिहार का जो सम्मान है, जो गौरव है, उसको भी हासिल करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। आज हम लोग जब बिहार से बाहर जाते हैं तो कहता है बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़। जिस धरती से अभी कुछ वक्ता बता रहे थे, जिस धरती से भारत की राजनीति चली है सदियों तक, वहां के लोगों की छवि आज मजदूर की है,